हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई नवीन और आपका स्वागत है हमारे चैनल नवजो एथलेटिक में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और खेलो इंडिया गेम कहाँ आयोजित हो रहे हैं और कितने दिन चलेंगे, और जब आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर मेडलिस्ट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर हुई थी और 2021-22 खेलो इंडिया का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में 24 अप्रैल से 3 मई तक होगा। इसमें केवल यूनिवर्सिटी के ही खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके एज कैटेगरी अंडर 25 है, वही इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप खेलो इंडिया के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये 8 साल तक दिए जाएंगे तथा जो नेशनल लेवल के टॉप एथलीट होते हैं उनके साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यदि आप खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप स्कूल लेवल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके अंतर्गत अंडर 17 और अंडर 21 के प्लेयर आते हैं। यदि आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए तैयारी कर सकते हैं जिसमें अंडर 25 तक के प्लेयर लिए जाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021-22 के अंदर कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित हो रहे हैं, उसमें इसके अंदर 189 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें 20 खेलों को लिया गया है, जिसके अंदर 2 स्वदेशी खेल भी जोड़े गए हैं जिसमें मलखम तथा योगासन है। इसके अंदर 3900 मैन एंड वुमेन प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे तथा सभी 20 गेमों के अंदर 275 गोल्ड दाव पर होंगे। आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आप अपने एज ग्रुप के अंदर यदि आप नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें आपको ट्रैक इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम ट्रैक इवेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिविजुअल गेम होते हैं। इसके अंदर जो टॉप 8 प्लेयर होते हैं वो फ्रॉम द स्कूल गेम ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। टॉप 4 प्लेयर नॉमिनेशनल फ्रॉम फेडरेशन की तरफ से होते हैं, जैसे कि एक प्लेयर होता है वो CBSE बोर्ड की तरफ से होता है और 1 प्लेयर फ्रॉम द होस्ट स्टेट, एक प्लेयर उसकी तरफ से होता है जहाँ पर गेम आयोजित हो रहे हैं। 2 प्लेयर विल्ड कार्ड एंट्री, 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो किसी चोट के कारण या किसी कारणवश पिछले साल खेल ना पाए हों। इस तरह इन खिलाड़ियों की संख्या 16 हो जाती है तथा इनको 8-8 प्लेयर्स के ग्रुप में बांट दिया जाता है और फिर इनका कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। अगर हम टीम इवेंट्स की बात करें तो टॉप 4 टीम वो होती हैं जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, 2 टीमें नॉमिनेशनल फ्रॉम फेडरेशन की तरफ से होती है, 1 टीम फ्रॉम द होस्ट स्टेट, 1 टीम वो होती है जिस राज्य के अंदर गेम हो रहे हैं, और 1 टीम जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है उसकी 1 टीम होती है। इस तरह टीमों की संख्या 8 हो जाती है तथा इनका कंपटीशन करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।